वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्लेजियस क्लैपीरॉन इक्वेशन की मदद से हम जो है देख सकते हैं। ये इस इक्वेशन जो है ये डी पी ओवर डी टी इज इक्वल टू एल वी ओवर टी इन टू वी वी नफी वी एल। अब देखते हैं कि डी पी बटा डी टी क्या है। ये इक्वेशन जो है इसको कहते हैं क्लेजियस क्लैपीरॉन इक्वेशन। डी पी बटा डी टी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर। ये जो टी है ये टेम्परेचर है, टाइम नहीं है। अब ये जो है एल वी क्या है, मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये जो है एक कांस्टेंट होता है क्लेजियस क्लैपीरॉन इक्वेशन में, इसको कहते हैं मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब टी क्या है टेम्परेचर, वी वी क्या है मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर्स, ये क्या है मोलर वॉल्यूम्स ऑफ वेपर्स है। ये वी एल क्या है मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये टी क्या है टेम्परेचर है, एल वी क्या है मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, डी पी बटा डी टी क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या है रेट ऑफ डी का मतलब है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर। इस इक्वेशन की मदद से हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में जो है रिलेशनशिप जो है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में जो ताल्लुक है वो देख सकते हैं।